दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के लीग का अंतिम मुकाबला बैंगलोर और चेन्नई के बीच खेला जाना है। इस मैच से पहले ही भविष्यवाणी होना शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी भविष्यवाणी से हर किसी को चौंका कर रख दिया है। तो आखिर चुनावी यात्रा के दरमियान मोदी जी ने किस टीम को चैंपियन बताते हुए करिए भविष्यवाणी, किस टीम को दावा ठोकते हुए बताया है विजेता, कौन सी टीम है मोदी जी की फेवरेट, भविष्यवाणी करते हुए क्या कुछ दिया बयान, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल में आए दिन हर रोज रोमांच देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। सभी टीमों ने 13 मैच से अधिक खेल लिए हैं और प्लेऑफ का दौर बेहद रोमांचक होता जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। वहीं मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई और बेंगलोर में से कोई एक टीम बची हुई है। आपको बता दें, आज गुजरात टाइटन और हैदराबाद के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है, लेकिन ये मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिसमें गुजरात टाइटन का भी सफर यहीं पर समाप्त हो गया और हैदराबाद में प्लेऑफ में जगह बना ली। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें बैंगलोर और चेन्नई के मुकाबले पर टिकी हुई हैं। अगर इस मुकाबले में बैंगलोर की टीम चेन्नई को हराती है तो बैंगलोर भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला 18 मई को बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीम वहां पहुंच चुकी हैं और जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बैंगलोर के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, वहीं चेन्नई के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मुकाबले में दोनों टीमों को जी जान लगा देना होगा। यानी कि यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। करोड़ों क्रिकेट फैंस से इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए अभी से भविष्यवाणी होना भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चुनावी यात्रा के दरमियान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चेन्नई और बैंगलोर के मैच पर भविष्यवाणी कर हर किसी को हैरान कर दिया और उन्होंने बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किसे बताया है इस बार आईपीएल का विजेता और क्या की है भविष्यवाणी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भविष्यवाणी करते हुए बयान दिया और कहा कि इस आईपीएल के सीजन में मुझे कोई नई टीम चैंपियन बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सभी टीमें इस बार प्लेऑफ में नहीं है, केवल चेन्नई ये कैसी टीम है जो हर बार प्लेऑफ में जगह बनाती है, लेकिन इस बार तो तीन तीन मुझे नई नजर आ रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि इस बार आईपीएल चैंपियन कोई नई टीम बनने वाली है। वैसे तो मुझे किसी एक टीम को चैंपियन बताना बेहद मुश्किल है, लेकिन मेरी फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है। मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता आया हूं और मैं चाहता हूं कि वो इस बार कुछ नया कीर्तिमान रचे। बैंगलोर के चाहने वाले फैंस भी कई सालों से ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रहे हैं, शायद ये सूखा इसी साल खत्म हो सकता है। मुझे लगता है बैंगलोर बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन बहुत कमजोर नजर आ रही है चेन्नई। उनके प्लेयर भी शानदार खेल नहीं रहे हैं, लेकिन कोहली का बल्ला जबरदस्त दहाड़ रहा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बैंगलोर इस बार ट्रॉफी अपने नाम करने वाली है। मुझे विराट पर सबसे अधिक भरोसा है कि वो इस बार किसी भी हाल में ट्रॉफी टीम को दिलाएंगे और वो मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी भी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने मोदी जी की भविष्यवाणी से तो यही नजर आ रहा है कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को इस बार आईपीएल 2024 का चैंपियन बताया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच पहले मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी बाजी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक लासेन की तूफानी बल्लेबाजी ने हैदराबाद की दिलाई शानदार जीत। जी हां दोस्तों, गुजरात और हैदराबाद के बीच बारिश के बाद 5 ओवर का रोमांचक मैच खेला गया था, जहां पर इस मैच में आज गुजरात की टीम के खिलाफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक लासेन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने गुजरात की टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिरकार गुजरात के खिलाफ हैदराबाद की टीम ने किस तरीके से जीत दर्ज करते हुए सभी को प्रभावित किया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में से कौन, किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और हैदराबाद के बीच आज हैदराबाद के घर
घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश के कारण मैच में काफी ज्यादा देरी हुई। परंतु एम्पायर और दोनों टीम के कप्तान ने बातचीत करते हुए बारिश के बंद होने के बाद 5 ओवर के मैच का फैसला लिया गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच आज गुजरात की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए फिर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, जहां पर पहले ओवर करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। इस बीच भुवनेश्वर कुमार ने पहली 3 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया, लेकिन अगले 3 गेंद पर तो 3 बेहतरीन चौके लगाकर पूरे स्टेडियम में सनसनी पैदा कर दी थी। हालांकि दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नटराजन के सामने साई सुदर्शन ने अपनी पहली गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन इसके बाद नटराजन ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन को विकेटकीपर के हाथों 12 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान आए, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, और तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए मयंक मार्कंडे के सामने 1 चौका लगाने के बाद 5 रन के स्कोर पर LBW आउट हो गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आए। इस बीच उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। इस बीच शुभमन गिल ने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगा दिए। ऐसे में अब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए, जिनके सामने शुभमन गिल पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर 35 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आए, जिन्होंने इस ओवर में 1 छक्का लगाने के बाद अपना विकेट रन आउट होकर दे दिया। ऐसे में अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी आए, जिनके सामने डेविड मिलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 गेंद पर 4 जबरदस्त चौके लगाए और 5वीं गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाने के बाद अंतिम गेंद पर अपना विकेट 26 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट होकर दे दिया, जिसके चलते गुजरात की टीम ने 83 रन 5 विकेट खोकर बना दिए। और इसका पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम जब मैदान पर आई, तो हैदराबाद की टीम के लिए ओपनिंग करने एक बार फिर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी आई, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की, जिनके सामने अभिषेक शर्मा ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर के अंदर लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाने के साथ ओवर की अंतिम गेंद पर लंबा छक्का लगाया, जिसके चलते पहले ओवर में 18 रन आ गए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए संदीप वॉरियर के सामने ट्रेविस हेड ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 20 रन बटोर कर बता दिया कि आज वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में अब रन गति पर लगाम लगाने के लिए राशिद खान को बुलाया गया, जिनके सामने अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद अभिषेक शर्मा को 22 रन के स्कोर पर राशिद खान ने LBW आउट कर दिया। तो वहीं इसी ओवर में दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को भी 20 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों राशिद खान ने कैच आउट कराया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन आए। हालांकि इस ओवर में 5 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए, जिनके सामने नीतीश रेड्डी ने 2 छक्का लगाने के बाद 15 रन बनाने के बाद अपना विकेट LBW आउट होकर दे दिया। ऐसे में अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 24 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए, जिनके सामने पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने सामने की तरफ छक्का लगाया, तो वहीं दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने कवर के ऊपर से चौका लगाया और तीसरे गेंद पर पॉइंट के पास से शानदार छक्का लगा दिया। और ओवर की चौथी गेंद जब उनके पैरों पर डाली गई तो यॉर्कर पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए। तो वहीं जब 2 गेंद पर 6 रन की आवश्यकता पड़ी तो मोहित शर्मा ने स्लोअर गेंद पर 4 रन की जरूरत पड़ी तो मोहित शर्मा ने लंबी गेंद डाल दी, जिसको हेनरिक क्लासेन ने सामने की तरफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का लगाकर 27 रन की पारी खेलते हुए हैदराबाद की टीम को शानदार जीत दिला दी। और इसी के साथ हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली 3री टीम बन गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में हैदराबाद की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हैदराबाद और गुजरात के मैच में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश बनी है, विलेन निकल कर आई है। अब सबसे बड़ी अपडेट, अब नए समय और नए फॉर्मेट के साथ खेला जाएगा ये मैच। तो आखिरकार गुजरात और हैदराबाद के बीच ये मैच अब कितने बजे से खेला जाएगा
और दोनों टीम के बीच कितने ओवर का मैच होगा, कितने बजे से किया जाएगा टॉस, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर में से कौन सी टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 के 65 मैच समाप्त हो गए हैं। इस बीच आईपीएल का 66वां मैच हैदराबाद और गुजरात के बीच हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला जा रहा है। हैदराबाद और गुजरात दोनों टीम के लिए यह मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर गुजरात की टीम अपना आईपीएल 2024 का अंतिम मैच जीत के साथ खत्म करने का प्रयास करेगी, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदराबाद की टीम फिलहाल 14 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है, तो दूसरी तरफ से गुजरात की टीम 8 नंबर पर 11 अंक के साथ मौजूद है। इस मैच में 7:30 बजे का समय शुरू होने का रखा गया था,